22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। पूरा देश राममय हो रहा है। एक तरफ जहां मंदिर उद्घाटन को लेकर हर जगह उत्साह देखने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज हिंदुस्तान के हर एक सनातनी के अंदर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच 1990 में कार सेवकों पर हुए हत्याकांड में मारे गए कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी का दर्द छलक उठा और उन्होंने अपने भाइयों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि मुझे लगा था कि मेरे भाइयों का बलिदान व्यर्थ हो गया। दरअसल अयोध्या में साल 1990 का गोलीकांड हिंदुस्तान के आधुनिक इतिहास का वो घटनाक्रम है जब 33 साल पहले 1990 में अयोध्या के हनुमानगढ़ी जा रहे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई कार सेवकों की मौत हुई थी। उन्हीं में शामिल थे कोठारी बंधु राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी। बता दें कि राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी उन कार सेवकों में से थे जो अक्टूबर 1990 में अयोध्या पहुंचे थे। वो कलकत्ता के रहने वाले थे। वहीं आज कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से समारोह में आने का न्योता भेजा गया है, जिसके बाद उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी ने अपने भाइयों के बलिदान पर दर्द बयां करते हुए कहा कि 2014 के पहले मुझे लगा था कि मेरे भाइयों का बलिदान व्यर्थ हो गया, लेकिन राम मंदिर का निर्माण मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। 2014 से पहले ये बहुत ज्यादा लगता था, क्योंकि जब आप राम की अस्मिता पर प्रश्न उठ रहे हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही थी, तो राम भक्त तो वैसे ही अराजक तत्व की गिनती में आ गए थे। इस दौरान पूर्णिमा कोठारी ने राम मंदिर आंदोलन को याद करते हुए भावुक होते हुए कहा कि वह कभी नहीं भूली कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ और अपने भाइयों के सपने को पूरा होने के लिए उन्होंने 33 साल का इंतजार किया। मैं ये कहूँ कि मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। 33 वर्ष पूर्व जो भाइयों के साथ का जो भी था, उन पलों को मैं कभी नहीं भूली हूँ, और वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। और उनके जाने के बाद भी मैं ये कह सकती हूँ कि उनका जो सपना अधूरा था, उस सपने को पूरा करने के लिए हम सतत प्रयास कर रहे थे। वहीं इस दौरान पूर्णिमा कोठारी ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के कार सेवकों को अराजक तत्व कहने और उन पर गोली चलवाने को सही कहने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कार सेवकों को अराजक तत्व कहने पर मुझे ठेस पहुंची थी। आप भी सुनिए। वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के, बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम करने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सुना होगा कि उन्होंने बोल दिया कि अराजक तत्व थे, तो ये अराजक तत्व की गिनती में जब आ गए थे तो वो ठेस तो बहुत लग रही थी और आशाएं बहुत छीन हो गई थी। बता दें, जब कोठारी बंधुओं को गोली मारी गई थी, तब राम कुमार कोठारी की उम्र 23 साल की थी और शरद कोठारी की उम्र मात्र 20 साल की थी। उन्होंने 1990 में अन्य कार सेवकों के बीच रामरथ यात्रा निकाली थी और तत्कालीन बाबरी मस्जिद ढांचे के ऊपर भगवा झंडा लगाया था। वे उन लोगों में से थे जो इसके बाद हुई झड़पों के दौरान मारे गए। फिलहाल तमाम राजनीति के बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिस पर कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी ने खुशी जाहिर की है और गर्व के साथ अपने भाइयों के बलिदान को याद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।